हिला देने वाला वीडियो एक जो सामने आया था, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो एक रिक्शा चालक को ठोकर मारने के बाद उसको घसीटते हुए 300 मीटर तक के वो गाड़ी ले गई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ में दिल दहला देने वाला वीडियो एक जो सामने आया था, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो एक रिक्शा चालक को ठोकर मारने के बाद उसको घसीटते हुए 300 मीटर तक के वो गाड़ी ले गई। ले जाने के बाद परिवर्तन चौराहे पे जब वो जीतू नाम का व्यक्ति रोड पे गिर गया, जिससे उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मौके पे पहुंची हजरतगंज की पुलिस, उसने छानबीन करना चाहा। लगातार आगे की जो छानबीन चल रही थी, उस फॉर्च्यूनर के बारे में पता लगाया गया, तो उस फॉर्च्यूनर का जो नंबर था, जिससे सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जब उसका पता लगाया गया, तो शहर के एक बड़े बिल्डर के नाम वो गाड़ी है, जिसका रहीस ज़्यादा बेटा एक गरीब मजदूर रिक्शे वाले को ठोकर मारने के बाद 300 मीटर तक के घसीटता हुआ ले गया, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। लगातार इसमें हजरतगंज थाने की पुलिस छानबीन कर रही थी। आज सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद उस गाड़ी के आधार के नंबर से उसके पता लगाया गया, जिस गाड़ी को आज हजरतगंज थाने की पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और आगे की कार्रवाई करी। आपको बता दूं कि उस पे चालक के ऊपर जो फॉर्च्यूनर चला रहा था, रहीस ज़्यादा बिल्डर का बेटा, पैसे के नशे में चूर एक गरीब रिक्शे वाला, उसके सामने कुछ नहीं था, जिसको वो घसीटता हुआ हजरतगंज रोड से परिवर्तन चौराहे तक के ले आया। लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया था इस ऐसे हादसे को देख करके। 19 तारीख को ये घटना घटी थी और पुलिस ने उसी दिन मुकदमा पंजीकृत कर दिया था, मुकदमा लिख दिया था। और आज जिस गाड़ी से उस गरीब रिक्शे वाले को घसीटते हुए वो रहीस ज़्यादा बिल्डर का बेटा जिस तरह से ले गया था, आज उस गाड़ी को तो पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। और पुलिस ने उस बिल्डर के बेटे के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइए देखते हैं इस पे डीसीपी हजरतगंज की डीसीपी हैं, उनका क्या कहना। थाना क्षेत्र हजरतगंज में रविवार के दिन एक घटना सामने आई, जिसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी द्वारा एक व्यक्ति को घसीटा गया और घसीटने के बाद उसी गाड़ी से कुचलकर उसकी वो घायल हो गया। घायल होने पर उसको पुलिस और अन्य लोगों के सहायता से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में मृतक के परिजनों की तहरीर पर रविवार को तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और साथ में ही गाड़ी को सीसीटीवी के मदद से चिन्हित करते हुए गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। जो गाड़ी चालक है, उसकी तलाश हेतु पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो आज कुछ सबूत पुलिस के पास लगे थे, जिन सीसीटीवी फुटेज के जो माध्यम से उसकी गाड़ी के जो एड्रेस निकाला गया, पता निकाला गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करी गई और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन अभी तक अग्रवाल का बेटा, बिल्डर का बेटा, जो अभी पुलिस के हाथ से अभी दूर है, लेकिन लगातार पुलिस घर पे दबिश दे रही है। अब गिरफ्तारी होने के बाद देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन जो भी धाराएं उसमें लिखी गई हैं, संगीन धारा मुकदमा दर्ज हुआ है, उस गरीब परिवार को न्याय के लिए ये लिए जो पुलिस ने उसको रात में ही उसकी बॉडी को मर्चरी पहुंचाया, उसके बाद में उसके पोस्टमार्टम कर उसके
जो सीतापुर का रहने वाला था उनके परिवार को के साथ कुशल हजरतगंज थाने की पुलिस ने भेजा, लेकिन अभी तक बड़ा सवाल उठता है कि वो हजरतगंज की पुलिस से दूर है। देखने वाली बात होगी कि कब वो पुलिस गिरफ्त में आता है। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ लखनऊ से 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।